हेलो एवरीवन, दिस इज भूपेंद्र एंड वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। सो दिस इज क्लास 7 चैप्टर 3 नेम डाटा हैंडलिंग। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन फर्स्ट वीडियो हमने आपको बताया था व्हाट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग पढ़ा था कि क्या होता है डाटा और क्या होता है उसको हैंडल करना, अरेंज करना। इसके अलावा रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब की थी। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो पहले उसको आप देख लेंगे, इसके बाद फिर इस वीडियो पे आएंगे। तो इसके आगे का हम पढ़ते हैं। डाटा हैंडलिंग में ही हमें आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ था उसको हम एक ग्राफ के रूप में शो करते हैं। तो ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक सिंपल और एक डबल लाइनिंग वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई डेटा दिया हुआ हो तो हम उसको बार ग्राफ में शो कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके सामने जो ये फिगर बनी हुई है ये एक बार ग्राफ को शो करती है। इसमें आपको डेटा दिया होगा किस टाइप का, जैसे सपोज करो कि आपको आपके एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले हैं, तो आप उसको अगर बार ग्राफ पे शो करोगे तो कैसे दिखाओगे। वैसे बेसिकली आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपका जो रिजल्ट्स होता है, रिजल्ट में एक तरफ आपके दिए होते हैं सब्जेक्ट और एक तरफ उनके मार्क्स दिए होते हैं। अगर उसको हम बार ग्राफ की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। लेट सपोज आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये चार सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको मार्क्स दिए करेंगे कि हिंदी, हिंदी में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो हिंदी जो है हमारी, हिंदी में आपको मार्क्स मिले हैं 11, ठीक ना। नेक्स्ट आप बात करेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको जो मार्क्स मिले हैं वो हैं आपके 6, और मैथ में आपको मार्क्स मिले हैं ये हो गए आपके 10, और लास्ट इज साइंस, तो साइंस में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो हैं आपको 3, ओके। तो इसको कैसे शो करेंगे, हम क्या करेंगे, एक इसी साइड से जो आपको दिख रहा है एक लाइन इस साइड से करेंगे, एक लाइन इस टाइप से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली। एक साइड में हमको अपने सब्जेक्ट्स लिख लेने होते हैं जैसे आप सामने देख रहे होंगे, और एक साइड में हम मार्क्स को लिख लेंगे। अब इसमें हम एक स्केल मानते हैं, स्केल वो वाला नहीं जिससे आप लाइन खींचते हो, बल्कि स्केल ये वाला जिसमें आप एक मानक मानते हो। जैसे हमने यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इस साइड से दो दो का गैप करके मार्क्स को पॉइंट आउट कर लिया है। अगर हमारा नंबर बड़ा होगा तो हम इसको 10 का गैप दे सकते हैं, 50 का गैप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे हालांकि नंबर छोटे थे इसलिए हमने दो दो का मार्क गैप दे के मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स मार्क करने हैं। हिंदी है, अब हिंदी में हमने आपको बताया कि हमने 11 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, तो हिंदी में यहाँ देखो इस साइड में 10 यहाँ तक आ रहा है और यह लास्ट आगे 12 है, तो 10 और 12 के मिड पॉइंट में ही तो 11 होगा, तो यहाँ पे हमारा 11 हो गया, और 11 को हमने इस साइड से ऐसे करके बना दिया, यानी कि हिंदी में आपने कितने ऑब्टेंड किए हैं, ये हो गया 11। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने 6 मार्क्स किए थे। अब यहाँ आप देखेंगे 2, 4, 6, 6 तो हमारा यहाँ पे है ही, तो आप इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को लिख के यहाँ पर 6 तक एक कॉलम बना दोगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है हमारा मैथ, तो मैथ में हमने यहाँ पे 10 मार्क्स ऑब्टेंड किए थे, तो यहाँ आपको 10 दिख रहा है ना, 10 के बिल्कुल डायरेक्ट सीध में आके मैथ वाला कॉलम बना दोगे। नेक्स्ट हमारा साइंस, तो साइंस में 3 है, तो देखो यहाँ 2 है, 2 और 4 के बीच में होगा 3, तो 2 और 3 के बीच में इस टाइप से बना लिया। आप समझ गए ना, इस तरह से हमें अगर कोई डेटा दिया होगा तो हम उसको इस टाइप से बार ग्राफ में शो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है एक जो हम हमारे सामने डेटा होता है उसकी संभावनाएं व्यक्त करना कि वो हो सकता है, और हो सकता है तो एग्जैक्ट कितना हो सकता है, तो उसकी एक संभावना होती है। मीन्स द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन। मतलब कि प्रोबेबिलिटी हम एक संभावना को कहते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं अगर हम उसको करेंगे तो कितनी संभावना बनती है उसकी कि वो वर्क हो ही जाएगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे आपके पास एक क्वाइन है, तो क्वाइन में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका हेड और एक होता है टेल, है ना। अगर आप उसको आप क्या करेंगे, सिक्के को उछालेंगे
तो आपको उसमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, है ना। जब भी आपने कोई सिक्का उछाला होगा तो उसमें दो ही चीज़ें होंगी जिस साइड से वो गिरेगा, या तो उसमें हेड होगा या फिर उसमें टेल होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल उसमें हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो इसको फाइंड करने को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, आपने लूडो तो खेला ही होगा, है ना। तो लूडो में आपने डाइस देखी है, डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? यस, उसमें 6 तक मार्क किए होते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। तो जैसे ही आप उसको उस डाइस को स्पिन करते हो और उसको देखते हो तो आपको पता चलता है कि उसमें कोई एक नंबर ही आपको एक बार में आता है। तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी जांचें कि ये नंबर आने की संभावना क्या है, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना कहते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपकी बुक और एक्सरसाइज में। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं जो है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने अगर कोई कॉइन को उछाला तो उसकी हेड ही आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या मांगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, हमने मांगा हेड। तो हेड आने का जो आउटकम है वो कितना है, हेड एक ही तो आएगा, एक बार में एक हेड आएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी कि कॉइन में टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, दो ही तो होती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये हो जाता हमारा नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की वो हो जाएगी 1/2, यानी कि यहाँ चांस जो होता है हाफ हाफ का होता है, यानी कि आप हेड भी ले सकते हो और टेल भी ले सकते हो, यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ की है। नेक्स्ट, अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में अगर हम आपसे कहें कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आप लगाओगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन है, 3 है, तो हम वहाँ लिख लेंगे 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर कितने हैं जो कि आपको मिल सकते हैं किसी डाइस को उछालने पर, तो यहाँ पे 6 है ना नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम नीचे लिख लेंगे 6। अब अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। तो 3 आने की किसी भी डाइस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी, यानी कि 1/2 होगी। अधिकतर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 आने की होगी, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है 3 आने की। नेक्स्ट, अगर हम और आपसे कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की किसी भी डाइस को अगर आपने स्पिन किया तो क्या होगा, तो फेवरेबल नंबर आपका कौन है, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 2 1 2, 2 3 6, यानी कि किसी भी डाइस में 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाएगी। आई होप आप अब समझ पाए होगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इस चैप्टर में जितने भी टोटल टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलो फॉर्म 4, 6, 7, 3, 5, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। इनको हमें टेबलर फॉर्म मतलब एक टेबल के रूप में मार्क्स करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, और साथ साथ में इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर भी देने हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देने हैं, और साथ में ही ये जो डेटा आपको दिया हुआ है इसको आपको टेबलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में हम मार्क करेंगे जो हमारे पास डेटा दिया है, वो मार्क्स ही तो दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मार्क, नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा टेली मार्क, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ जो मार्क्स दिए हुए हैं वो मार्क्स हमारे दिए हैं 4, 6, 7, 3, 5, 5, 1, 2, 5, जो भी मार्क्स दिए हुए हैं वो मार्क में हम लिख लेंगे। तो यहाँ 1 से लेके 9 तक मार्क दिए हैं, है ना, 1 से लेके 9 तक मार्क दिए हुए हैं। तो मार्क में हम क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक इसको डिनोट कर लेंगे इस तरह से, जैसे आपको टेबल में दिख रहा है। मार्क वाली कॉलम में 1 से लेके 9 तक मार्क लिख लेंगे। इसके बाद आता है सबसे पहले कर क्या रहे हैं,
हम सबसे पहले वन वाले मार्क को टैली मार्क करना चाहते हैं। तो टैली मार्क के लिए हमें देखना होगा कि वन जो है इस डेटा में कितने टाइम्स आया हुआ है। तो वन जो हमारा यहाँ पे 4673211 यहाँ पे वन मिल गया हमको और कहीं वन नहीं है। तो यहाँ पे वन जो है वो वन टाइम ही आया। तो टैली मार्क उसके लिए हम वन कैसे शो करेंगे, एक लाइन खींच के इस तरह से, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, एक बार आया है तो इसको एक बार यहाँ पे डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट हम टू के लिए देखें तो क्या होगा, तो इसमें हम टू अगर फाइंड करेंगे तो टू कितनी बार आया, एक तो टू ये हो गया और सेकेंड टू ये हो गया और कहीं नहीं है। तो यहाँ टू टाइम्स आया है, तो टैली मार्क हम टू कर रिप्रेजेंट करने के लिए टू लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी टू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थ्री, तो थ्री को हम यहाँ पे दिस ऑब्जर्व करेंगे कहाँ है, एक तो थ्री ये हो गया और यहाँ कहीं थ्री है ही नहीं। तो थ्री एक ही बार आया तो टैली मार्क में वन कर लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इसकी वन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर की, तो फोर हमारे पास यहाँ पे कितने टाइम्स आया है, वन, नेक्स्ट टू और थ्री। तो फोर हमें थ्री टाइम्स यहाँ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे थ्री टैली मार्क्स लगा लेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी हमारी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी थ्री हो जाएगी। इस तरह से हम सारे नंबर्स को मार्क्स कर लेंगे। लास्ट हमारा फाइव है, यहाँ पे देख लेंगे फाइव को क्या है। फाइव हमारा फाइव टाइम्स आया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, फोर लाइन इस टाइप से और एक इसकी क्रॉस करते हुए लाइन, तो ये फाइव लाइन हो गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। तो इस तरह से हम टेबलर फॉर्म में बना लेंगे। आई होप आप इसको इस तरह से लिख लोगे, कॉलम बना लोगे टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी का, और साथ में यहाँ पे ये वाला जो डाटा मार्क है तो मार्क्स आ जाएंगे। आपकी अगर एज दी होगी तो हम एज लिख लेंगे। अंडरस्टूड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके, उसके बारे में हम थोड़ी सी सॉल्व करते हैं इसको। विच नंबर इज हाईएस्ट, तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हमें नाइन जो नंबर मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, विच नंबर इज लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो सबसे लोएस्ट जो नंबर है वो वन ही तो है, तो वन इज द लोएस्ट नंबर ऑफ दिस डेटा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज, तो रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज के लिए हमने आपको बताया एक फार्मूला था, रेंज इक्वल टू होता है हमारा, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो यहाँ हाईएस्ट नंबर था नाइन, तो नाइन लिख लिया, और माइनस लोएस्ट नंबर था हमारा वन, तो हमने वन लिख लिया। तो यहाँ पे जो रेंज हमारी आएगी वो नाइन माइनस वन यानी कि एट हो जाएगी। आप समझ गए ना इसको, गुड। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन हमारा चौथा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। पिछली वाली जो वीडियो आपने पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मीन किसे कहते हैं। मीन हमारा जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि जो भी आपके नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब का सम करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स लिख के उनका सम कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, और अपॉन में क्या करना हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 20 हैं, ठीक है ना। आप इनको अगर ऐड करोगे तो ये 20 हो जाएंगे ना। फ्रीक्वेंसी को भी आप ऐड करके देख लोगे, यहाँ 20 होते होंगे, 1 टू 3, 3 1 4, 4 और 3 4, 7, 7 और 5 12, 12 और 4 होते हैं हमारे 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 20 हो गए, ठीक है ना। तो इन 20 को हम क्या करेंगे, अपॉन में लिख लेंगे, जहाँ पे यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम इन सब का ऐड करेंगे तो इन सब का ऐड हमारा हो जाएगा 100, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 20। अब इस 20 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 जो होता है 10, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 5। तो ये सब पूरा जो ऑब्जर्वेशन है आपका, उनका जो मीन निकल के आएगा वो 5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आपको होमवर्क में और सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उनको आप सॉल्व कर लोगे और अच्छे से इसको दोबारा से पढ़ लोगे। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रीप्ले भी कर सकते हो। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप इसका रिवाइज करें। बाय बाय।